हाय गुड आफ्टरनून। सो विंटर स्टार्ट हो गए दिल्ली में और अगले सीज़न 2024 के एडमिशन्स की तैयारी है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसलिए भाग रो के बना रहा हूँ। देखिए अंदर तो आपको पता है सिक्योरिटी इशूज़ रहते हैं, परमिशन इशूज़ रहते हैं, और मैं खड़ा हूँ अमृता फरीदाबाद के बाहर। और ये वीडियो शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए, नॉर्थ इंडियंस या दिल्ली के आसपास के रहने वाले तो इस कॉलेज प्लस हॉस्पिटल की, जिसे बोलते हैं ना, चीज़ को जानते हैं। और मैं और मेरा फ्रेंड जिसने ये पकड़ा हुआ फ़ोन इस समय, आप ये समझ लीजिए आपको बहुत दूर से दिख रहा होगा, जितना आपको नज़र आ रहा है ना इस समय, जैसे लेफ्ट में तो स्कूल है, पर जितना आपको इस समय नज़र आ रही है 3-4 बिल्डिंग है, ये शायद 5% है। जी हाँ, 5%। और जब हम अंदर वॉक कर रहा था तो एक घंटा मुझे हो गया चलते हुए और मैं पूरा कॉलेज एंड हॉस्पिटल नहीं देख पाया। मतलब एमरजेंसी का जो वार्ड था वो 15 फ्लोर का था, और जो लोग दिल्ली के थे जो 2023 में इस कॉलेज को देख कर गए थे, वही बताते थे वापस आके कि सर आपने क्या शानदार चीज़ बताई है हमें, 60 OT। मतलब शायद पूरे नॉर्थ इंडिया का MGM जयपुर जॉली ग्रांड जो मैं हमेशा कहता हूँ उसके टक्कर का ये है। और वो साबित भी हो गया 2023 में ही, जब पहला साल था। और आप जानते ही हैं कि सरकारी के बाद अगर हम प्राइवेट कट ऑफ की बात करें, और हम फीस को भूल जाएं, आपको मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि केरल हो कर्नाटक के कॉलेजों की जब फीस का कट ऑफ ऊपर जाता है, या श्रीराम मूर्ति बरेली का जाता है या शारदा का जाता है, तो उसका कारण फीस भी होता है। लेकिन 1 करोड़ वाला जो बजट है, जिसमें JSS मैसूर या कस्तूरबा आते हैं या KS हेगड़े या JLN बेलागावी टाइप के टॉप कॉलेजेस, पहले साल में ही सबको बीट करता हुआ अमृता फरीदाबाद का जो फाइनल कट ऑफ था वो इंडिया में 5वें नंबर पे था। कस्तूरबा के 3 कैंपस और जामिया हमदर्द के बाद नंबर 5 पे। जॉली ग्रांड भी शानदार कॉलेज है, पर आपको पता ही है कि चूँकि वो उत्तराखंड स्टेट बजट में आता है, लोगों को पता ही नहीं होता, और वो फिर भी 380-390 नंबर पे मिल गया। ये जो है ये तो आप सब जानते हैं, 450 के ऊपर गया था 2023 में। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बहुत जल्दी ये 2024 में कोई बड़ी बात नहीं 500 नंबर भी पार कर ले। तो मतलब जैसा मैंने कहा कि मैं आपको दिखा तो पाऊंगा नहीं, बट जो भी इस वीडियो को सुनते हैं देखते हैं, यू ट्रस्ट मी। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आप यहाँ क्वेश्चन कर नहीं सकते, चाहे वो पेशेंट फ्लो हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, डिसिप्लिन हो, लिविंग फैसिलिटी हो। लोकेशन भी एक्चुअली बहुत अच्छी है, और ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए फरीदाबाद भी बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो सरकारी कॉलेज है ना अटल बिहारी वाजपेयी चैनसा, वो एक्चुअली फरीदाबाद में नहीं है। वो जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिसे हम, मैं दिल्ली फरीदाबाद की जो मेन सड़क है ना, जो अगर जो नॉर्थ में रहता है वो जानते हैं, हाईवे आ रहा है जो आगरा भी जाता है सीधा, और मेट्रो भी आ रही है वल्लभगढ़ तक। मेट्रो स्टेशन से अगर आप उतरेंगे सेक्टर 28 फरीदाबाद बोलते हैं, तो सिर्फ 4 किलोमीटर अंदर है, और रिक्शास ऑटो बहुत मिल रहे हैं जो आपको यहाँ से 20 रुपये में मेट्रो पहुँचा देंगे। तो अगर आपको बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है तो वो 20 रुपये खर्च करके मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएगा। वो जो मेट्रो है, इसे वॉयलेट लाइन बोलते हैं, ये आपको तकरीबन पूरी दिल्ली में घुमाते हुए ISBT दिल्ली छोड़ देती है। अटल बिहारी चैनसा भी यहाँ से और 25 किलोमीटर आगे है, और वो फरीदाबाद नहीं है, वो एक प्रॉपर गाँव है। कोशिश करूँगा मैं वो भी आपको दिखाने की जल्दी ही। और वही जस्ट टू आंसर इन द सेम वीडियो, आपका सवाल हमेशा रहता है कि सर जब नॉर्थ में इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, तो ये SDU कोल्लार या श्री रामचंद्रा चेन्नई या श्री सिद्धार्था तुमकुर, इनकी कट ऑफ इतनी ऊपर क्यों जाती है? फिर से मैं रिपीट करूँगा, सारा दिक्कत है जो MBBSC काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, जिसमें MCC काउंसलिंग का एक राउंड हमेशा स्टेट से आगे चलता है। और अमृता फरीदाबाद भी एक प्रॉपर डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी काउंसलिंग MCC करा रहा है। तो जब MCC के 51 कॉलेज आए थे 2023 में, तो उसमें अमृता फरीदाबाद था, और हर पेरेंट जो होता है उसको एक वो रहती है जल्दबाजी की, मैं सीट जल्दी जल्दी ले लूँ, और खासकर राउंड 2 के बाद। राउंड 1 में तो फिर भी लोग पेशेंस दिखाए थे मेरे कहने पर ही, पर मेरे भी काफ़ी क्लाइंट थे जो राउंड 2 या 3 के बाद तो रुके ही नहीं। तो इसलिए MCC राउंड 3 जब NLA सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं और नॉर्मल सीट बन जाती हैं, तो कट ऑफ ऊपर चली जाती हैं। और जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो राजस्थान के शानदार कॉलेजेस हों, चाहे वो जॉली ग्रांट हो, चाहे वो श्री गुरु राम राय हो, जो शानदार कॉलेजेस हैं, मैं नॉर्थ की बात करूँ, इस डेफिनेटली हर जगह ऐसे कॉलेजेस हैं, तो उनकी कट ऑफ रिलेटिवली कम आती है। बट हाँ, इस वीडियो में हम बात करें अमृता की, और मैं ऑल इंडिया के बच्चों से कहूँगा कि जिनको नहीं पता कि अगर आप MGM के पैसा दे रहे हो, औरंगाबाद के 1CR, या आप जैसा मैंने कहा इवन JSS मैसूर भी शानदार कॉलेज है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद अगर आप भारतीय विद्यापीठ पूना का पैसा दे रहे हो, या भारतीय विद्यापीठ का दे रहे हो, या DY पाटिल का 2.25 करोड़ रुपये दे रहे हो, खैर उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसकी कट ऑफ तो ऑलरेडी 450 लास्ट ईयर चली गई, इस साल 500 जाएगी। पर्पज़ यही था, ओवरऑल मतलब अंदर एक
शानदार, फाइव स्टार भी है। मतलब मैंने कहा ना कि वो वीडियो बनाने की परमिशन, मैंने कोशिश की बनाने की, मुझे चार पांच सिक्योरिटी गार्ड ने टोक दिया। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं तो फरीदाबाद एक फैमिली फंक्शन में आया था, तो सोचा जो मेरी आदत है कि आपको कॉलेजेस दिखा दूँ, अब मैं स्पेशल चार दिन पहले मेल डालूँ, परमिशन लूँ वीडियो बनाने की, उतना समय मेरे पास नहीं होता, आप जानते ही हैं। बट मतलब शुड आई से कि बस इट्स और फिर से मैं रिपीट करूँगा, अब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, नेक्स्ट का पेपर पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ MBBS की डिग्री के कागज़ से काम नहीं चलेगा। और अमृता फरीदाबाद डेफिनेटली एक वो ऑप्शन है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के आपकी PG नेक्स्ट तो पार कराएगा ही कराएगा, शायद आपको PG सरकारी सीटें भी दिलाएगा। अभी परफॉर्मेंस नहीं पता चली क्योंकि अभी तो सेकंड बैच होगा 2024 में, मैं जॉली ग्रांट या MGM जयपुर या उस तरह के जितने भी कॉलेज हैं, सर हम बरेली, वो तो बड़े सालों से परफॉर्म कर रहा है PG के एंट्रेंस टेस्ट में, उसके बच्चे इसके भी करेंगे, लेकिन चार साल बाद पता चलेगा जब पहला बैच पास आउट होगा। बट आई कैन गारंटी यू कि कहीं कोई कमी नहीं है। और ये भी इसकी देखिए बिगनेस है, कोई गेट बंद नहीं है, आप देखिए गेट बिल्कुल खुला है, आप आएंगे, आप अंदर जाइए, बाइक पे बंदा जा रहा है, कोई उसको गार्ड रोकेगा नहीं, क्योंकि यही तो एक असली अस्पताल होना चाहिए ना। अब जो घटिया से प्राइवेट अस्पताल होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जाम उसके बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि वो NMC वाले तो नहीं आ गए छापा मारने, और लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आप आइए जाइए, कोई सिक्योरिटी गार्ड आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि लैक ऑफ सिक्योरिटी है, इसका मतलब यही है कि इट्स अ हॉस्पिटल, राइट? हॉस्पिटल में थोड़ी ना है कि एक बंदे की चेकिंग की जाती है, पेशेंट को पूछा जाता है कि आप क्यों आए हो। तो यही खासियत है अमृता की। और अब आपको थोड़ा और नज़ारा दिख रहा होगा, सामने दूर आपको एंट्रेंस दिख रहा होगा, और लेफ्ट की बिल्डिंग को बस मत देखिए, ये एक स्कूल है जो पहले से चलता आ रहा है, ये स्कूल पुराना है, और फिर उसके आजू बाजू में लैंड ली गई है जो कि अमृता फरीदाबाद बना है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और अगर आप जानते ही हैं हमसे आप काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें, 9643362320 यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, हम किसी से फ्री में ना बात करते ना आपको कॉल बैक करते, तो पहली बातचीत भी चार्जेबल रहती है, फ़ोन पे बात करने के 2500, मिलने के 5000 रुपये। तो प्लीज़ हमें तभी फ़ोन कीजिए जब आप पे करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको मुफ्त की घटिया सलाह चाहिए तो उनसे बात कीजिए जो आपको कॉल करते हैं, ना हम किसी को कॉल करते ना किसी को कॉल बैक करते, हमें आप जैसे जो हमारे हमारी क्वालिटी को पहचानते हैं वही हमें कॉल करते हैं, चार्जेस देते हैं, अपना क्वालिटी का काम करा के ऑप्टिमल सीट इंडिया में लेने की हमारी आपके लिए वो रहती है कोशिश, और वही हम हर साल अपने बच्चों को दिलाते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।